प्रदेश की योगी सरकार की संवेदनशीलता और सख्त तेवर के चलते आज योगी मॉडल देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन उनके नौकरशाहों की कारस्तानी कहीं न कहीं सरकार की शाख पर बट्टा लगा रही है। ऐसे बहुतेरे मामले प्रकाश में आते रहते हैं। यह जनपद सिद्धार्थ नगर की प्रमुख नगरवासी का उपनगर सुभाष नगर है। नगर के लगभग चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यह नदी से आया बाढ़ का पानी नहीं है, बल्कि बारिश से हुए जल जमाव का पानी है, जिसने नगर के सिवान जिसमें कभी फसल लहलाती थी उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। यही नहीं, नगर में बनी नालियां भी पूरे उफान पर है, जिसमें तमाम तरह के संक्रमण के कारण पनप रहे हैं। और इसका कारण चकबंदी विभाग से लेकर नगर पालिका की अफसरशाही है, जिसमें जनता के हितों की अनदेखी कर हर स्तर पर मनमानी की है और जल निकासी के रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसको लेकर इन लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से लेकर तहसील व जिले तक जिम्मेदारों से गुहार लगाई, लेकिन इनका कोई पुरसा हल नहीं मिला। इसी वजह से आज इन नगरवासियों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। कहने को शहरी क्षेत्र, लेकिन हालात गांव से भी बदतर है। क्या है इनकी दुर्दशा की कहानी, सुनिए नगरवासियों की जुबानी। शहर है ये बांसी का उपनगर है, तो यहाँ तो बड़ा ये नाली वाली की स्थिति बड़ी खराब है, बड़ी कचरा है। लड़के बच्चे घर लड़के हमारे गिरा था ना। अच्छा एक चीज बताइए दादी, ये बताओ संचारी रोग नियंत्रण पखवारा चला तो यहाँ चूना उना छिड़काव ऐसा कुछ दवाई वाई छिड़काव हुआ है? कुछ ना छिड़का दे, खाली आई है वो नाले का माटी निकाल दे, यहाँ माटी निकाल कुछ नहीं पर फिर खाली बाहर का वो है वो घर घर दल जाकर बाहर। आपका दिसंबर, ये कौन सा जगह है? ये शहर है भैया, बांसी का शहर बोलते हैं इसको, नगर पालिका में लगता है, सुभाष नगर वार्ड बोलते हैं इसको। लेकिन यहाँ शहर का नाम खाली दिया गया है, शहर है नहीं। इससे अच्छा हमारा ग्राम जो गांव का है वो ठीक है। हम खाली रहते हैं गांव में, शहर में ठीक है, हम उससे बेहतर बेकार है। बच्चे हमारे रात दिन मर रहे हैं, हम दवा करा के थक जा रहे हैं, मजदूर आज हम तो क्या करेंगे। ये स्थिति हमारा है कि हम अगर खाना बच्चे खाते हैं हमारे वहाँ इतना बदबू आ रहा है, यहाँ आप आए खड़े हो सकते हैं जगह पे, ये हमारा हाल है। यहाँ क्या किया जाए, सरकार यहाँ हमारी क्या करे, नगर पालिका शिकायत करके हम थक गए, हम लोग हमारे बच्चे क्या करेंगे इसके लिए। हम प्रदेशी मजदूर आदमी, हम मजदूरी करने वाला आदमी है, क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, सिवान में भी मैंने देखा पानी भरा हुआ है सर। सिवान देखेंगे, अभी देखेंगे हमारा हमारा जो फसल है हम बेकार उसके किसी काम के नहीं है। जो हमारे पास बीघा खेती था हमारे पास, बच्चे हमारे क्या खाएंगे वहाँ। आज फसल हमारा कैसा कि हम धान के बीज रखे, एक बार लगाए थे, बारिश हुआ बैठ गया, हमारे पास बीज नहीं बैठा है, आज पानी निकल जाए हमारा सुविधा, कुछ सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो ये जो पानी जल जमाव है बाहर मैंने देखा, वो हमेशा से रहा? नहीं नहीं नहीं, नहीं इसके लिए सुंदरी कैंड हुआ, अगले 6 महीना हुआ, इसके लिए पानी का निकास नहीं हो पाया। यहाँ के जो काम करने वाले हमारे जैसे सभासद हुए, वो काम कराए, क्या कराए वो लोग, अब हम उसको क्या बताए उनको, हमारा प्रशासन को सुनाएंगे, अब क्या कराएंगे। हमारा यही गुहार है नगर पालिका से कि कुछ किया जाए इसके लिए, कि नगर पालिका पानी निकाला जाए, हमारे बच्चे सुखी रहे, कभी गटर पानी सही सही। अच्छा, बरसात शुरू होता है तो सरकार तमाम दवा व छिड़काव करती है, लोगों को टीकाकरण करती है कि जो है लोगों को रोग ना हो, संचारी रोग जैसे इंसेफ्लाइटिस और मलेरिया वगैरह, तो इसके लिए छिड़काव उड़काव करती है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या? छिड़काव करती है वो, करती है, लेकिन जहाँ नहीं वहाँ करते हैं, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं। रोड पे आते रोड चले जाते हैं, ये हमारा इस गाँव नहीं आते कुछ थे, अगर आए कभी तो वही चले जाते हैं, अगर आते हम बोलते नहीं आते हैं। आज आप खुद देखिए यहाँ कीड़ा घूम रहे हैं, इसमें व्हाइट व्हाइट कीड़ा होते जानते हो, कीड़ा देखिए चल रहे हैं, बच्चे वहाँ खेलते हैं, खाते खाना खाते हैं, कीड़ा जाते हैं वहाँ, छोटे छोटे बच्चे घर में हमारे यहाँ आ जाते हो, क्या करेंगे? पूरे गांव पूछिए बात को, ये सब परेशान हम लोग हैं, शिकायत कर करके हम क्या करेंगे उसके लिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।